डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने ट्राइबल कॉम्बैट मैच ऑफिशियल किए रोमन रेंज और जी उसो के बीच में, लेकिन तुम में से बहुत लोग कह रहे थे भाई ये मैच है क्या, सिर्फ नो डिस्क्वालिफिकेशन होगा या फिर नहीं। लेकिन रीसेंट टाइम में कुछ ऐसी बातें आई सामने जो कि तुम्हें सरप्राइज कर देंगी, बिकॉज अगर मैं ये कहूँ कि ब्लड का कोई भी मेंबर रोमन के और जे का अब मैच के अंदर इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखो जो ब्लड लाइन सेगा उसके अंदर ऐसे ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ड्स ऐड कर रही है ना, तुम्हें सुन के हैरानी होगी। समर स्लैम रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, ट्राइबल कोर्ट और अब आ चुका है ट्राइबल कॉम्बैक्ट। लेकिन ट्राइबल कॉम्बैक्ट मैच को लेकर एक ऐसी डिटेल आई सामने जो कि सुन के तुम लोग कहोगे भाई अब ये मैच सुनने में कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और भी बहुत सारी न्यूज एंड अपडेट्स हैं इस वाली वीडियो में, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वेल पहले मैं वीडियो को शुरू करने वाला हूं तो चैंप वर्सेस द कैंप जॉन सीना के साथ में। अभी फिलहाल ऑफ कोर्स जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन रीसेंट टाइम में जजमेंट डे के मेंबर फिन बैलर की तरफ से एक वार्निंग आई है जॉन सीना को, और उन्होंने एक तरह कह सकते हो गुस्से में मना किया कि भैया जॉन सीना इस बार तुम दिखे ना कंपनी के अंदर वो जरूर भर्ता बना के रख देंगे सीना का। देखो होता है डब्ल्यूडब्ल्यू ने रीसेंट टाइम में बात कंफर्म किया कि आने वाला जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन है वह सेथ रॉलिंस और फिन बैलर के बीच में एक समर स्लैम की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगी। अब कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग फिन बैलर समर स्लैम तुम्हें एक चीज याद आ रही होगी, और होता जॉन सीना की रिटर्न जब जॉन सीना आए थे रोमन रेंस से फेस करने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वैसे फिन बैलर की थी, लेकिन सीना आउट ऑफ नोवेयर आते हैं कॉन्ट्रैक्ट खुद साइन करते हैं और फिन बैलर को रिप्लेस कर देते हैं उस वाले मैच के अंदर। तो वो कहानी शायद तुम्हें याद होगी, तो फिन बैलर को एक बार फिर से लग रहा है फ्लैशबैक याद आ गया। सो दैट्स व्हाई समर स्लैम और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से उन्हें ये लगा कि अगर इस बार जॉन सीना उनकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में इंटरफेयर करके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करके सेथ रॉलिंस का कंपीट करते ना समर स्लैम में, तो इस बार लिटरली बैलर पिस्ड ऑफ होने वाले हैं। इसके बाद वाली जो अपडेट है वो इस बार एलए नाइट के बारे में जुड़ी है। अगर तुम लोगों ने रिसेंटली स्मैकडाउन का शो देखा होगा, एलए नाइट सफर करते हैं एक और मेजर लॉस, क्योंकि अब वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप की तरफ बिल्कुल भी बढ़ नहीं पाएंगे। अब वो इन्विटेशनल जो पूरा मैच वैच था उसके अंदर रे मिस्टीरियो की विक्ट्री हो जाती है, रे मिस्टीरियो सैन होसे एस्कोबार का जो मैच है वो हमें लेटर ऑन होता हुआ नजर आएगा। अब देखो जो अपडेट है ये सामने, वो अपडेट ये कह रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास में जो भी मेजर या फिर मैसिव प्लान है एलए नाइट को लेकर उनका जो एग्जीक्यूशन है वो अभी नहीं होगा। उनका एग्जीक्यूशन होने वाला है समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट के बाद, और समर स्लैम के बाद तुम लोग एक्चुअल में देखोगे कि डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी एक अच्छा खासा पुश डिलीवर कर रही है एलए नाइट को। अब मुझे समझ नहीं आ रहा भाई ये कौन सा पुश है जो कि सिर्फ नाम का है और अभी तक एक्चुअल में मिल नहीं रहा है, क्राउड भी फालतू में इतना सपोर्ट करे जा रही है एलए नाइट को और डब्ल्यूडब्ल्यू कह रही है अरे तुम लोग करते रहो हम तो इसे हरवाते रहेंगे। चलो इसके बाद वाली जो अपडेट है वो इस बार ए टाउन डाउन ऑस्टिन थ्योरी के बारे में जुड़ी है, और मैं थ्योरी के मैच के बारे में भी बात करने वाला हूं, क्योंकि जो इन्विटेशनल पूरा मैच वैच है उसका फाइनल तो सेट हो चुका है कि रे मिस्टीरियो और हमारे सैंटो एस्कोबार का आमना सामना होगा। लेकिन बड़ी बात है कि इसके जो विनर का मैच है वो थ्योरी के साथ में समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर होने वाला है। तो होता है रीसेंट टाइम में इसको लेकर एक अपडेट आई है सामने, और बेसिकली अपडेट का ये कहना है कि जो ऑस्टिन थ्योरी का मैच होगा इन्विटेशनल के विनर के साथ में वो मैच समर स्लैम के अंदर नहीं होगा, वो मैच होने वाला है एक स्मैक डाउन के एडिशन में। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू लग रहा है ऑन द रोड टू समर स्लैम, हम सभी के लिए एक सरप्राइज तो प्लान कर रही है, क्योंकि देखो जो ऑस्टिन थ्योरी उनका क्या सीन चल रहा है करेंटली कंपनी के अंदर ये तो हमने देख लिया कि अब तो इन्विटेशनल मैच के विनर का फेस करेंगे, और आई डोंट थिंक सो कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसी वाली चीज को यहाँ पे खत्म कर देगी या फिर वहीं पर न्यू चैंपियन क्राउन हो सकता है, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू मुझे लग रहा है फ्यूड स्ट्रेच करने का ट्राई करेगी। अगर उनके पास कोई आउट ऑफ द बॉक्स प्लान नहीं है थ्योरी के लिए, मुझे लग रहा है स्टिल कहीं ना कहीं एलए नाइट का चांस बन सकता है थ्योरी के अगेंस्ट में, बिकॉज कंपनी उन्हें अच्छी तरीके से बुक कर सकती है। लेकिन फिर भी देखो आने वाले टाइम में क्या होता है, लेकिन ये कुछ अपडेट है जो कि मैं तुम्हें देना चाह रहा हूं अभी फिलहाल ऑस्टिन थ्योरी के इन्विटेशनल वाले विनर को लेकर। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, ये ट्राइबल कॉम्बैक्ट मैच के बारे में जुड़ी है जो कि ऑलरेडी है ऑफिशियल रोमन रेंस वर्सेस जे उसो के बीच में। रिसेंटली स्मैकडाउन के शो के अंदर क्या कुछ हुआ वो हम लोगों ने स्मैकडाउन के एक डिटेल वाली वीडियो में डिस्कस कर ही लिया था कि भाई पूरा ये जो सेगमेंट है उसके अंदर किस तरीके से ड्रामेबाजी हुई और अल्टीमेटली ट्राइबल कॉम्बैक्ट मैच ऑफिशियल हुआ, जहां पर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ साथ जो रोमन रेंस अपने गले में माला वगैरह डालते वो भी ऑन द लाइन है। बेसिकली ट्राइबल चीफ का जो पोजीशन है वो भी ऑन द लाइन होगा इस मैच के अंदर। लेकिन होता है रिसेंट टाइम में जब बहुत सारी बातें आ रही कि भैया ट्राइबल कॉम्बैक्ट मैच क्या, क्योंकि जे उसो ने जिस तरीके से बताया वो नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होगा, तुम टेबल पर पटक सकते हो, तुम चेयर पर पटक सकते हो। लेकिन एक बंदे ने ट्वीट किया जो कि ट्वीट एक्चुअल में काफी वायरल हो रहा है, उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। इस ट्वीट के अकॉर्डिंग कहना यह कि जे उसो भी फिलहाल एक बहुत स्मार्ट गाय है, क्योंकि उसने रोमन रेंस को एक ट्राइबल कॉम्बैक्ट मैच के अंदर चैलेंज की है। बेसिकली इस मैच का मतलब यह है कि कोई भी जो ब्लड रिलेटिव होने वाला है वो पूरे तरीके से फॉरबिडन होगा या फिर वो इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, और एक सामोअन ट्रेडिशनल मैच है। इसका मतलब ये अब रोमन रेंस सोलो सिकोवा ये जो है एक तरह का कह सकते हो गठबंधन नहीं बना पाएंगे, और यही वो रीजन है कि रोमन ने रोका सोलो सिकोवा को रिसेंटली स्मैकडाउन के शो के अंदर, बिकॉज एज पर रूल्स यहां पर अब तुम अटैक नहीं कर सकते हो अपने सामने वाले सामोअन के ऊपर। और कोई भी सामोअन यानी कि जिमी जे उसो द रॉक रिकीशी जितने भी है ना
या कोई भी सामोन उस मैच के अंदर, कोई भी ब्लड रिलेशन वाला उस मैच के अंदर भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, इस ट्वीट का मानना है। अभी फिलहाल WWE ने ऐसी कोई भी चीजें क्लियर की नहीं है, बस जे उसो ने जो कहा वही हमें रूल्स वगैरह पता लगे। लेकिन अगर एक्चुअल में ये रूल्स होते तो मुझे लग रहा है भाई बवाल मचने वाला है, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि कोई भी ब्लड रिलेटिव नहीं आएगा तो क्या रोमन रेंज फाइनली एक क्लीन विक्ट्री हासिल करने वाले हैं, या फिर इसमें भी कोई गोलमाल है, या फिर कोई ब्लड रिलेशन के अलावा बंदा आके मैच के अंदर इंटरफेयर कर सकता है। आई थिंक चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन बाकी देखें आने वाले टाइम में WWE क्या कुछ चीजें करती है। एंड तुम्हारे हिसाब से अगर ये रूल होता है तो क्या तुम लोग एक्साइटेड हो समर स्लैम शो के लिए? एंड बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को नीचे लाइक करो, एंड साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।